अगर पिक्चर में हीरो ने पात पात के हीरोइन की नाक सुजा दी तो उस पिक्चर का नया नाम क्या होगा? साजन, सूजन दे गया। एक लड़की वजन कम करने का सोच रही थी, जितने में मोमोज ने उसे देखा, उसने मोमोज को देखा और मोमोज का वजन कम हो गया। पति ने पत्नी के साथ में सात फेरे क्या खा लिया? पत्नी ने तो सात जन्मों के लिए पति को आड़े हाथों दबा लिया। बेचारे पति ने गलती की तो पत्नी ने पति को चोटी में मार के उछाल लिया, और पत्नी ने गलती की तब तक तो पति ने फौजी कट कटवा लिया। पति बेचारे का तो हाथ जोड़ के भी काम नहीं हो पा लिया, और पत्नी ने सिर्फ करके सारा काम करवा लिया। पति के चिल्लाने से पत्नी के कानों पे जू भी नहीं रेंग पा लिया, और पत्नी चिल्लाई तो पति के कानों से खून बहा लिया। कौन बच पाया है पत्नियों से, चाहे वो मुकेश अंबानी या वो विजय माल्या? राजे शेर की शायरी पसंद आई है तो ये वीडियो अपनी पत्नी की नजरों से बचा लिया। ओ प्रिय, तुम तो बिल्कुल जियो की सिम की तरह निकली, लत लगा कर भाव खाने लगी। पर मैं भी बिल्कुल BSNL की सिम हूँ, अब वापस कभी सिग्नल दूंगा नहीं। बहन उल्टी बैठी थी तो उसके सर पर टपली बजा लिया, और उसने पलट के देखा तो अखंड भोला बन के किताब में मुंह छुपा लिया। बहन ने जब वापस मारा तो मम्मी चिल्ला लिया, और जब मम्मी ने कहा कि नहीं तूने ही कुछ किया होगा, तो बदला लेने का पूरा दारोमदार अपने कंधों पे उठा लिया। फिर जब गया बदला लेने तो बहन ने थोड़ा और प्रसाद दे के वापस भगा लिया, और फिर कोने में जाके 5 मिनट की उदासी का स्वांग रचा लिया। फिर जब भावुक होकर के बहन आई मनाने तो उसे फटाक से एक और टपली मार के भाग लिया, और इसी गोल चक्कर को अनादिकाल से अनंत काल तक चला लिया। अरे वीडियो पसंद आया तो भाई बहन से शेयर करा लिया। बड़े बुजुर्ग कहते तो थे कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमारे तो कितने ही सब्र के फलों की कहीं और शादी हो गई। कुछ लोगों की मोहब्बत भी सरकारी होती है, ना ही फाइल आगे बढ़ती है ना ही मामला खत्म होता है। एक डॉक्टर आदमी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा इलाज सही सही कर दिया तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वो आदमी कहता है, साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी भी खोद दूंगा। देश के सारे काबिल बच्चों को कांच के सामने बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, इससे खुद पर नजर भी रहती है, साथ में रिवीजन भी हो जाता है, और पढ़ने के लिए कंपनी भी मिल जाती है। सवाल खोर ने डॉक्टर से पूछा, क्या आप बिना दर्द दिए भी दांत निकाल लेते हैं? डॉक्टर ने कहा, नहीं। सवाल खोर, मैं तो निकाल लेता हूँ। डॉक्टर ने चौंक के पूछा, कैसे? सवाल खोर, हे, ऐसे। साले पूरे दिन पिछवाड़े के नीचे दबा के बैठा रहता है, मेरी सांस नहीं घुटती क्या? तूने मेरे अंदर इतना सामान ठूस ठूस के भर दिया है कि फटने जैसा हो रहा हूँ। 6-6 महीने पुरानी ATM की रसीदें, साल भर पुराने डॉक्टर के रुक के, 2-2 साल पुराने लोगों के कार्ड जिन्हें तू भूल भी चुका है कि वो है कौन, 4-4 साल पुराने शगुन के नोट, रखने के लिए तेरे पास पैसे तो है नहीं तो पैसों के नाम पे 1 दर्जन सिक्के। जब मेरे अंदर भगवान की फोटो रखी तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं बढ़िया आदमी होगा, लेकिन अगले दिन उसी के चिपका के गर्लफ्रेंड की फोटो। क्या मसला हो रहा है भाई ये? हेलो नर्स, तुमने सारे कोरोना के पेशेंट्स को दवाई दी कि नहीं? हमें हर एक पेशेंट को ठीक करना है। आई वॉन्ट 0 डेथ रेट्स।